अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह साल हयात अदबी रंग में आँखें भलीकार सिलसिलो है तारीख जो वर्क अज जो को सिंध की तारीख जो सोनहरी वर्क तहां जे सामू पेश कंदासी उन के सिंध की तारीख में सिंध की अदब जो भी सोनहरी दौर चेबो है वो है कल्होड़न जो दौर। कल्होड़न जो दौर 1701 का शुरू थे तो 1783 ताई हले तो इन दौर जो पहरो हुकुमरान मियाँ यार मोहम्मद कल्होड़े के समझो वो आखिरी हुकुमरान मियाँ अब्दुल नबी कल्होड़ो है। मियाँ यार मोहम्मद कल्होड़े मुगलन का पांजी हुकूमत वरती ही मियाँ अब्दुल नबी कल्होड़े हालाणी वाले जंग में तालपुरन के हवाले हुकूमत कही। कल्होड़न की हुकूमत तारीखी तौर पर तो मियाँ यार मोहम्मद के फतेह का पोए गणी वी है पर हकीकी तौर पर कल्होड़ा छो तो सिंध जहा असुल मानू हुआ तंजे करे हुनन सिंध की आज़ादी की तहरीक इन का केतरो ही वक्त अग में स्टार्ट कही। कल्होड़न जो ताकत में अचन की शुरुआत केतरा ही वक्त अग में एक सरदार हुए मियाँ चन्नो उन के सिंध के मुख्तलिफ़ सरदार मुख्तलिफ़ जातियों के सरदार गजी पंजो हुकुमरान या पंजो वडो बनाए हुए या पंजो सरदार बनाए हुए जैमें सत पाड़ा हा जैखा कोई शादी हो रवाज है तो भाई सतरा जी है या सतन पाड़न जो सरदार है उन जन सतन जातियों गजी उन मियाँ चन्नो के पंजो सरदार बनाया हुए उन्हें कोरेजा हैं सहता चन्ना समा महर बिलाल दहर ये जातियों हैं जन गर्जी करे उन के पांजी सरदारी दिनी ही उन सेवण के भरसा एकड़ा नवा शहर झांगारा बाजारा भी बधराया हुआ डाढ़ो सखी मानू हुयो डाढ़ो बहादुर हुयो तमाम घणो हुसन अखलाक वारो मानू हुयो जहाँ करे सब मानू खेस चाहिंदा हुआ उतां खां वठी इन्हन कल्होड़न जी जेका ऐसा सरदारी जो सिलसिलो शुरू थे तो उनखां पोए उन्हें ही सिलसिले जो आदम शाह कल्होड़ो निर्वार थे तो जेको हुआ तो पीरी मुरीदी के हवाले से उन मशहूरी माणी पर उन्हें पीरी मुरीदी के पुठियां उन सिंध की आज़ादी की एकड़ी तहरीक शुरू कई जैके म्यांवाल तहरीक के नाले से तारीख में याद कर वो है। म्यां आदम शाह कल्होड़ो जो पंजा काफ़ी मुरीद ठाहे चुको हुयो तमाम वो हल्को उनसा मानुन जो गड़ हुयो उहो पान वरी म्यां मोहम्मद जूनपुरी जो मुरीद हुयो उन्हें जे चवण ते उनकी मदद से वो तमाम घना कारनामा सरंजाम दई सके पियो पर जद मुगलन के या खबर पई त आदम शाह कल्होड़ो इन वक्त ताकत वठंदो थो वने पियो त उनके गिरफ्तार कराए मुल्तान जेल में विधऊं कुछ अरसों जेल में रखने का पोए उनके जेल में ही फांसी दिनों संस लाश के उतां खड़ाए सखर में एक टकरी ते दफनायो जेका अज भी आदम शाह जी टकरी के नाले से मशहूर है। उन मियाँ आदम शाह कल्होड़े उन्हें पीरी मुरीद के नाले में सिंध के सकाफत सिंध की धरती मुगलन का छदायण के लिए जो तहरीक शुरू कई उन जो मुगलन ते असर भी थो मुगलन उनके नजर में भी रखो जैसे कर उनके कत्ल कराया या फांसी दिनी वही उन मियाँ आदम शाह के शहीद थी वजन का पोए संस पुट मियाँ इलियास मियाँ शाह मोहम्मद या मियाँ शाहुल जैसे सदन पाया पांजे गादी ते वेठा पर मियाँ इलियास अगते हली करे पांजे फितरी मौत मरी वयो पर मियाँ शाह मोहम्मद उन्हें तहरीक के वरी बाकायदा हलायो उन्हें भी सागी मुगलन सा बगावत मुगलन सा जेका सा जंग जारी रखी सिंध जा कुछ इलाका उन फतेह करण की कोशिश कई उन करे मुगलन जा हिन सिंध में जेके सरदार वफादार हुआ उन्हें पान में साजिश करे उन्हें के कत्ल कराए छो। मियाँ शाह मोहम्मद के कत्ल थी वजन का पोए मियाँ इलियास जो पुट मियाँ नसीर कल्होड़ो उन्हें गादी ते वेठो सागी रवश रखी यानी एतरा मानू मुगलन कत्ल कराया पर हूंदे भी हिनन मां वतन परस्ती वारो जज्बो खत्म न थियो पांजी सागी म्यांवाल तहरीक के जरिए मानू के गड करण भी शुरू कयो सो मुख्तलिफ इलाकन के फतेह करण जो कोशिशों भी कयूं जैसे करे ही भी मुगलन के अताब हेठ हुयो। आखिरकार मियाँ नसीर के उन साजिशन के समझी मुगलन के से गिरफ्तार करायो पर कुछ वक्त का पो उतां कहीं तरीके से फरार थी आयो या उतां आज़ादी वठी आयो उन वरी अची उन्हें तहरीक के न सिर्फ हलायो पर
खैरपुर नाथन शाह के भरसा पांजो क्याम कयो ऐं उते पांजा माण्हू गड करण शुरू कया। म्या नसीर जे वक्त उतां जे लोकल सरदारन ऐं ब्यान ताकतवर माण्हू खे गड करण शुरू कयो त केतरा ई जेके सिंध सां मुहबत रखंदड़ हुया, वतन जा परवाना हुया ऐं मुगलनि खां पंहिंजो वतन आज़ाद करण चाहिनि पिया, उहे म्या नसीर जे काफ़िले में शामिल थी पिया। उन्हनि में उन वक़्त जा नाले वारा माण्हू शाह पंजो, शाह गोदड़ियो, मीरन सोलंगी, गुल मोहम्मद लगारी, कमाल मशहूरी, सुहराब जतोई, डूंगर मंसी, जंगू जमाली, मुराद कलेरी, मीर सोबदार तालपुर ऐं ॿिया खोर सारा गॾिजी पिया ऐं हिकिड़ी वॾी फ़ौज तयार थी वई, जंहिंजे करे हू उन क़ाबिल थी विया त मुग़लनि सां बाक़ाइदा जंग जोटिजे ऐं उन्हनि खां हुकुमरानी हासिलु कजे। म्या नसीरुद्दीन जंहिं वक़्तु हिते माण्हू गॾु करे रहियो उन वक़्तु मुग़लनि जे शाहजहान जी हुकूमत हुई। ख़ैर म्या नसीर जे वफ़ात खां पोइ वरी जेको आहे सो म्या दीन मोहम्मद उन गादी खे संभालियो ऐं उहो बि इन तरीक़े सां माण्हुनि खे गॾु करणु लॻो त उन वक़्तु वरी हिते मुइज़ुद्दीन बेग जेको आहे सो मुग़लनि तर्फ़ां हुयो ऐं उन साज़बाज़ करे दीन मोहम्मद खे पहिरीं ॻाल्हियुनि लाइ घुरायो ऐं साज़िश अहिड़ी सिटी जो हू उन जे ॻाल्हियुनि में अची वियो ऐं जॾहिं उन वटि पहुतो त खेसि यकदमि गिरफ़्तार करायईं ऐं सेवण में उनखे फांसी ॾियारी। म्या दीन मोहम्मद जी शहादत खां पोइ म्या यार मोहम्मद कलहोड़ो उन गादी जो गादी नशीन बणियो ऐं हीउ ॾाढो बहादुरु हुयो, जंग जो क़िस्म जो हुयो ऐं हिन खे मुग़लनि सां इंतिहा दर्जे जी नफ़रत हुई ऐं पंहिंजे वतन सां मुहबत हुई, जंहिंजे करे हिन छा कयो जो तय कयो त मूंखे हर हालति में मुग़लनि सां खां हीअ सिंध ख़ाली कराइणी आहे, जंहिं करे हुन पहिरियों क़दमु इहो खयो जो पंहिंजी फैमिली सॼी कलाक ॾांहुं शिफ्ट करे छॾी ऐं पाण जबलनि ॾांहुं हलियो वियो ऐं उते वञी पंहिंजा माण्हू गॾु कया ऐं हिकिड़ी फ़ौजी दस्तो तयारु कयो। उनखां पोइ हुन सेविस्तान, मंछुर, लाड़काणो, फतेहपुर ऐं बखर ताईं इहो सॼो इलाइक़ो जेको आहे सो कंडियारो इहो सॼो इलाइक़ो हुन फतेह कयो ऐं जॾहिं मुग़लनि खे इहा ख़बर पई त हीअ एतिरी ताक़त वठी वियो आहे त उन वक़्तु मुग़ल बि कमज़ोर थी चुका हुआ, तंहिंजे करे उन्हनि जी मजबूरी थी पई त इन सां ठाह कजे। त मुग़लनि साज़बाज़ करे हिन खे चयो त बसि हाणे तव्हांखे असां हुकूमत ॾियूं था ऐं हिन खे परवानो ॾिनो त तूं असांजे अंडर में हुकूमत कंदे, पर सिंध तो वटि हूंदी पर हुकुमरानी मुग़लनि जी हूंदी ऐं तूं असांजो हिकिड़ो निमाइंदो या गवर्नर या बादशाह हूंदे। त इन तरीक़े सां हिन खे मुकमल अख़्तियार मिलिया हुकुमरानी करण जा, जंहिं करे ही कलहोड़नि जो पहिरियों हुकुमरान या कलहोड़ा दौर जो पहिरियों हुकुमरान तस्लीम कयो वेंदो आहे, जंहिं बाक़ाइदा बादशाही जी सनद हासिलु कई। म्या यार मोहम्मद जे वफ़ात खां पोइ उन जो पुटु म्या नूर मोहम्मद तख़्त ते वेठो। म्या यार मोहम्मद 18 साल ॾाढी ख़ुशसलूब सां हुकूमत कई ऐं म्या नूर मोहम्मद उनखां बि वधीक तक़रीबन 35 साल हुकुमरानी कई, पर हिन जो दौरु थोरो अफ़रा तफ़री जो दौरु रहियो, छाकाणि त उन वक़्तु मुग़लनि जी जेका ताक़त हुई सा घटिजी वई ऐं उन मुग़लनि जी ताक़त खे घटि करण जे लाइ उन्हनि ते ईरान मां नादर शाह हमिलो कयो। चवनि था त नादर शाह जॾहिं इंडिया ते मुग़लनि ते हमलियावर थियण जे लाइ हितां जे म्या नूर मोहम्मद खां इजाज़त घुरी हुई त असांखे सिंध मां रस्तो ॾियो, त हिन इनकार कयो। हू ॿिए पासे खां मुग़लनि ते हमलावर त थिया, पर उतां जॾहिं वापसी थियो त हुनजे सॼे लश्कर सिंध ते काह कई ऐं सॼी सिंध खे फुरियो लुटियो ऐं सिंध त सां अहिड़ा हाञा कया जेके तारीख़ जो हिकिड़ो बाब आहिनि, जंहिंजे लाइ शेख अयाज़ जो बैत बि आहे त समय आया सिंध ते नवां नादर शाह, समय आया सिंध ते नवां नादर शाह, कान्हे का तारीख़ में वेढ़ बिना विवाह, मता सोचो साह, मता वेहो माठ सी। त उहो नादर शाह हुयो जंहिं सिंध खे तमामु घणो नुक़सान पहुचायो ऐं उहो म्या नूर मोहम्मद जो दौरु हुयो। उनखां पोइ वरी म्या नादर शाह न सिर्फ़ु ईअं हलियो वियो पर हिन ते ख़िराज मुक़ररु करे वियो ऐं बादशाही वरी वापसि नूर मोहम्मद खे ॾिनई, पर हिन ते ख़िराज मुक़ररु कयईं त तूं हर साल हेतिरा लख असांजे ख़ज़ाने में जमो कराईंदे ऐं हितां वञण महिल बि हुनखे तोहफ़ा तहाइफ़ हाथी, सोन जूं तलवारूं ऐं को किरोड़े रुपया तमामु घणो ख़िराज हुन वरितो ऐं हर साल जे लाइ उन ते मुक़ररु बि करे छॾी। नादर शाह जे हमले खां पोइ सिंध मुग़लनि जे तसलत मां त आज़ादु थी वई, पर वरी नादर शाह जे तसलत में हली वई ऐं केतिरा ई साल
खिराज जो सो बाकायदा उनके दिनों ही दो उन्हीं का पो वरी अमन शाह अब्दाली भी सिंध ते हमलो कयो आई उहो भी सागो मियां नूर अहमद कलवड़े जो दौर हुयो वरी उनके भी ही खिराज नींदा रहा आई पांजी हुकूमत बचाई दो रहो पर उन हुंदे भी इन सिंध में तमाम घनी तरक्की कराई आई सिंध में अमन अमान कायम करायो आई कोशिश कई त सिंध जे इल्म अदब के तरक्की वठराए जे आई हितां जे माण्हुनि खे कुछ जीअण जो उत्साह ॾिजे। आखिरकार मियां नूर मोहम्मद जे वफ़ात खां पोइ उनखे छो त सत पुट हुआ उनजो वॾो पुट मियां मुराद याब तख़्त ते वेठो पर हू टे साल बि हुकुमरानी कोन हलाए सघियो ऐं हिकु तरफ़ मुग़लनि जा खेसि टेंशन ॿिए तरफ़ अहमद शाह अब्दाली नादर शाह इन्हनि जा ख़िराज ऐं पैसा उते पहुचाइण इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां हू अहिड़ो तंग थियो जो हुन सिंध खे छॾे ऐं ॿाहिरि वञण जो सोचियो ऐं पंहिंजी फैमिली सामान कुझु पैसा ॾोकड़ उहे मस्कत ॾांहुं मोकिले ॾिना। पर हितां जे अमीरनि खे जॾहिं इहा ख़बर पई थी बादशाह हितां वञे पियो ऐं पंहिंजी मिल्कत माल सभु कुझु हितां शिफ्ट पियो करे त उनखेसि हुकुमरानी ताईं लाहे छॾियो ऐं उनजे नंढे भाउ मियां ग़ुलाम शाह कलोड़ खे तख़्त ते विहारियो वियो। हितां जे सिंध जे अमीरनि जॾहिं मियां ग़ुलाम शाह कलोड़ खे तख़्त ते विहारियो त इहा ॻाल्हि संस भाइरनि खे पसंदि कोन आई ऐं उन्हनि गॾिजी करे जंहिंमें मियां अतुर कलोड़ो हुयो मुराद याब हुयो अहमद यार हुयो इहे गॾिजी अफ़गानिस्तान हलिया विया ऐं वरी उन अमन शाह अब्दाली या नादर शाह या इन्हनि खां मदद वरितऊं ऐं हिकिड़ो वॾी फ़ौज वठी हमिलो करायूं मियां ग़ुलाम शाह ते जंहिंजे करे मियां ग़ुलाम शाह खां हुकूमत हली वई ऐं हुकूमत हुननि संभाली। ग़ुलाम शाह उतां सिधो बहावलपुर हलियो वियो ऐं बहावलपुर रियासत जो हुकुमरान मुबारक ख़ान अब्बासी हुयो जंहिं हुनजी न सिर्फ़ु मदद कई पर खेसि फ़ौज बि ॾिनी ऐं वापसि हुन अची जेको आहे सो पंहिंजनि भाइरनि ते हमिलो कयो ऐं हुकुमरानी छॾाई। हुकुमरानी छॾाइण खां पोइ ग़ुलाम शाह ॿीहर बादशाह बणियो पर उन विच में संस भाइरनि टे दफ़ा वरी बि अफ़गानिस्तान खां मदद वरिती ऐं मथस हमला कराया पर ग़ुलाम शाह कलोड़े हर दफ़े खे शिकस्त ॾिनी ऐं आख़िरकार टिनि हमलनि खां पोइ अफ़गानिस्तान जा जेके बादशाह हुया उन्हनि खे बि अहसासु थियो त ग़ुलाम शाह कलोड़ो हिननि खां ताक़त में हिरफ़त में वधीक आहे तंहिंजे करे हुननि ग़ुलाम शाह कलोड़े खे चयो त बसि तूं ई हुकुमरानी हला पर तूं असांजे असर हेठि रह। उनखां पोइ कुझु वक़्तु मियां ग़ुलाम शाह कलोड़ो बि उन्हनि जे असर में ई हुकुमरानी हलाईंदो रहियो पर आस्ता आस्ता जेका असांजी ख़ुदमुख़्तियार हुकूमत क़ाइमु कई ऐं अहिड़े तरीक़े सां मियां ग़ुलाम शाह कलोड़े जो दौरु सिंध जो बहितरीन दौरु हुयो। इन्ही दौर में सिंध जो बहितरीन शाइर आला दर्जे जो मुफ़क्किर ऐं इंसान जो अलमबरदार शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हुयो ऐं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे नाले सां इहो बि चवंदा आहिनि त मियां ग़ुलाम शाह कलोड़ो ॼाओ बि शाह साईं जे दुआ सां हुयो ऐं शाह साईं जे वफ़ात खां पोइ शाह साईं जो जेको मुक़बरो हिन वक़्तु मौजूदु आहे जेको रोज़ो ठहियलु आहे उहो ठहिरायो बि ग़ुलाम शाह कलोड़े हुयो। ग़ुलाम शाह कलोड़े तमामु घणी सिंध में तरक़ी कराई ही ख़ासि तौर ते तामीरात जो तमामु घणो शौक़ीन हुयो हुन क़िला ठाराया हैदराबाद में पको क़िलो कचो क़िलो ग़ुलाम शाह कलोड़े जा ठाराहियल आहिनि इन खां सवाइ ख़ुदाबाद जी मस्जिद ग़ुलाम शाह कलोड़े जी ठहिरियल आहे। ग़ुलाम शाह कलोड़े पहिरियों दफ़ो कलोड़नि जो न त अॻु में तख़्तगाह सॼो ख़ुदाबाद में हुयो पर उन उतां शिफ्ट करे हैदराबाद आयो नीरनकोट शहर जेको हैदराबाद अॻु में सॾो हो उन खे हैदराबाद जो नालो बि ग़ुलाम शाह कलोड़े ई ॾिनो हुयो। ग़ुलाम शाह कलोड़े जे दौर में सिंध तमामु घणी तरक़ी कई इल्म अदब तरक़ी कई ऐं माण्हुनि खे हिकिड़ो उत्साह मिलियो त हिन वक़्तु असांजा पंहिंजा हुकुमरान आहिनि धारियुनि जी जेका यादगार हुई धारियुनि जी जेका फुरमार हुई उन मां निजात मिली वई माण्हुनि खे सुकून जो सुख जो साह मिलियो ऐं हिन ग़रीबनि में इलाही सारियूं ज़मीनूं विरिहायूं उन खां सवाइ जेको दरियाह जो रुख जिते गैराबाद ज़मीन हुयूं उन ॾांहुं मोड़ियाई पर हिन तमामु घणा तरक़ियाती कम कराया। ग़ुलाम शाह कलोड़े जे वफ़ात खां पोइ सरफराज़ मियां सरफराज़ कलोड़ो वेठो पर इतफ़ाक़ सां हू को एॾो भलो बादशाह कोन हुयो या हुकुमरानी जा हुन वटि के इहे ट्रिक्स कोन हुयूं जंहिंजे करे हू कामयाबु हुकुमरान में शामिलु न थियो। उनखां बाद में मियां अब्दुल नबी कलोड़ो तख़्त ते वेठो पर मियां अब्दुल नबी कलोड़ो बि पंहिंजी गिरफ़्त हुकुमरानी जी क़ाइमु न करे सघियो। इन दौरान कलोड़नि जे सॼे टेन्यूअर में मीर जेके टालपुर हुया उहे हिननि जा साथारी हुया मददगार हुया ऐं इन्हनि जे
खास उहदन ते वजारतन ते मीर हुया, पर आस्ते आस्ते जदा मीरन तस्लीम कयो त कलहुड़न जी हाणे हुकुमरानी वारी गिरफ्त कमजोर थींदी थी वञे पई। ऐं अंदरूनी तौर ते मीरन सां हुननि जा कुझु इख़्तिलाफ़ात बि थी पिया। ऐं मीरन जे हिकिड़े माण्हू खे भरी अदालत में हुननि कलहुड़न जेका ऐसा सज़ा बि ॾियारी मौत जी, ऐं हुनखे क़तलु बि करायो, जंहिंजे करे मीर हिननि सां बाग़ी थी पिया। ऐं पोइ पहिरीं जंग मीरनि जी कलोड़नि सां हालाणी वारे मैदान में लॻी, जिते कलोड़नि जो आख़िरी हुकुमरान मियां अब्दुल नबी कलोड़ो शिकस्त खाई भॼी वियो। ऐं उनखां पोइ हीअ हुकूमत जेका आहे सा मीरनि जे हवाले थी वई। इनशाला ॿी वीडियो में टालपुरनि जे दौर ते ॻाल्हाईंदासीं। दोस्तो, कलोड़नि जो दौर सिंधी अदब जो, सिंधी ॿोली जो, सिंधी सकाफ़त जो, सिंधी क़ौम जे लाइ हिकिड़ो यादगार ऐं बहितरीन दौरु आहे। हिन दौर में काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके अञा मूंखां रहिजी वियूं आहिनि, ज़ाहिर आहे हिन वीडियो जी तवालत जे करे बि। मां हर वीडियो में बार बार इहा ॻाल्हि वरजाईंदो आहियां त खोड़ सारियूं असां में ख़ामियूं हूंदियूं, पर जेकॾहिं तव्हां पंहिंजा राया ॾींदो, कमेंट्स ॾींदो, त इनशाला ॿिया वीडियो तयारु करे उन्हनि में उहे ख़ामियूं पंहिंजूं ख़तमु कंदासीं। असां असुलु मक़सदु सिंध जी तारीख़, सिंध जे अदब, सिंध जी ॿोली ऐं सिंध जे जाग्राफिकल जेका हैसियत आहे, उन जी जेका पुराणी ॾींहं कहिड़ी हुई, उहा पंहिंजे नौजवान जे ना साम्हूं आणणु आहे। तव्हांजा राया असांजे लाइ वॾी अहमियत रखनि था। जेकॾहिं असांजी महिनत तव्हांखे पसंदि अचे थी त असांजे चैनल खे लाइक कजो ऐं सब्सक्राइब कजो। ॾिसंदा रहो अदबी रंग।